नियम में लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया था कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिन्हें ना खाया जाए, जैसे सुअर, चमगादड़, सांप आदि। और परमेश्वर ने जो खाने वाले जानवर हैं उनके बारे में भी बताया था। हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहनों ने कमेंट किए और उनका कहना है कि शुद्ध अशुद्ध जानवर तो परमेश्वर ने पुराने नियम में बताए थे, नए नियम में अब सब कुछ शुद्ध हो गया है। यीशु मसीह ने सब कुछ शुद्ध और पवित्र कर दिया है। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए वो पत्रस के दर्शन का इस्तेमाल करते हैं जो प्रेरितों के काम 10 अध्याय में दिया गया है। पत्रस उस समय जोफा में था, प्रार्थना कर रहा था और दर्शन में उसे एक चादर दिखाई देती है जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी दिखाई देते हैं। तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि पत्रस उठ खड़ा हो और इन्हें मार खा। और पत्रस ने कहा कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी कोई भी अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। और फिर उसे कहा गया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। और इस वचन को पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि बस अब तो प्रभु ने सब कुछ शुद्ध ठहरा दिया है, अब हम कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर कहता है कि ऐसे जानवरों को नहीं खाना और यहाँ पर कहता है कि सब कुछ खाया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि आखिर सच्चाई है क्या? क्या मसीह सभी जानवरों को खा सकते हैं? क्या जो पुराने नियम में है अब उसका कोई मायना नहीं रहा? और कुछ लोग पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 4 वचन का इस्तेमाल करते हैं कि सब कुछ खाया जा सकता है अगर वो धन्यवाद के साथ पवित्र करके खाया जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और हम इन सब सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, इन्हें समझेंगे और जानेंगे कि बाइबल का असली मतलब क्या है इन सवालों के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात जो हर एक बाइबल को पढ़ने वाले व्यक्ति को समझनी चाहिए कि कभी भी एक वचन को उठाकर उससे एक नई शिक्षा ना बना लें। जब भी आप कोई वचन पढ़ते हैं तो उससे ऊपर, नीचे, पीछे और आगे वाले अध्याय को भी जरूर पढ़ें और जरूर समझें। जब हम बात करते हैं प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय की, तो वहाँ पत्रस अपनी सेवा की शुरुआत अन्य जातियों में करने जा रहा है। इससे पहले यहूदियों के मन में और पत्रस के मन में भी एक भावना थी कि सिर्फ यीशु यहूदियों के लिए है, अन्य जातियों के लिए नहीं है। लेकिन अब परमेश्वर अपनी आत्मा अन्य जातियों पर भी उंडेलने जा रहा था और इसीलिए कॉर्नेलियस को और पत्रस को परमेश्वर ने दोनों को दर्शन दिया। दोस्तों, हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर स्थिति है क्या। अभी तक यहूदी सिर्फ यहूदियों के बीच में ही जाकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब प्रभु उन्हें अन्य जातियों के बीच ले जाने के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि वो अन्य जातियों को अशुद्ध और अपवित्र समझते थे और ना उनसे मेल मिलाप और कुछ भी मतलब रखते थे। इसलिए प्रभु एक दर्शन से पत्रस से बात करते हैं और पत्रस जब उस चादर पर अनेक प्रकार के जीव देखता है तो कहता है कि मैं कोई अशुद्ध और अपवित्र वस्तु नहीं खाता। प्रभु कहता है कि जो मैंने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। यहाँ परमेश्वर किसी भी खाने के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि परमेश्वर पत्रस को सपने के द्वारा समझा रहा था कि जो कोई मसीह पर विश्वास करे वो सब एक है, कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई भी घृणित नहीं है, क्योंकि मैंने सबको बनाया है और उन सबको शुद्ध ठहराया है। अब आप कहेंगे कि भाई, ये आपको कैसे पता चला कि प्रभु के मन में क्या चल रहा था और उसके कहने का क्या मतलब था? दोस्तों, मैं इसे बाइबल से ही जानता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और गहराई से जानते हैं। उस सपने के बाद पत्रस कैसरिया में कॉर्नेलियस के घर पहुँचता है और उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी भी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। इसलिए जब मुझे बुलाया गया तो मैं आ गया। वचन 28 पर ध्यान दे, पत्रस ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे बताया है कि मैं किसी मनुष्य को अशुद्ध या अपवित्र ना कहूँ। देखिए, यहाँ पर यह बात पत्रस कह रहे हैं, मैं नहीं। देखिए, पत्रस यहाँ शुद्ध अशुद्ध भोजन और खाने की बात नहीं कर रहा है, वह बात कर रहा है शुद्ध अशुद्ध लोगों की। परमेश्वर ने उस अशुद्ध जानवरों के सपने के द्वारा पत्रस को समझाया था कि सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, उसमें सभी लोग एक समान हैं, वहाँ खाने का कोई भी जिक्र नहीं है,
वो सिर्फ एक सपना परमेश्वर ने दिया था पत्रस को रिलेट करने के लिए। वहाँ ऐसा कोई मतलब नहीं है कि अब मसीह सब कुछ खा सकते हैं। तो क्या ऐसा था कि परमेश्वर पुराने नियम में कुछ अलग कहता था और नए नियम में कुछ? जी नहीं, वो आज कल और युगानुयुग एक समान है। उसके बाद पत्रस ने उन्हें वचन सुनाया, उन्हें पवित्र आत्मा मिली और जब पत्रस यरूशलेम में आया तो यहूदी उससे वाद विवाद करने लगे कि पत्रस तूने क्यों अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया। प्रेरितों के काम 11:2-3। फिर पत्रस उन्हें अपने दर्शन के बारे में बताता है और पत्रस दोबारा इस बात को बताता है, प्रेरितों के काम 11:9 में इसका स्पष्टीकरण करता है कि वहां प्रभु ने वो बात खाने के विषय में नहीं बल्कि अन्य जाति लोगों के लिए कहा था जिसे यहूदी अपवित्र और अशुद्ध समझते थे। इसलिए मैंने भी पहले भी कहा कि किसी भी एक वचन को उठाकर एक नई शिक्षा ना बना लें। परमेश्वर ने पत्रस को और आपको यह नहीं कहा था कि कुछ भी खा लो, सब कुछ शुद्ध हो गया है, लेकिन वहाँ कहा था कि जो मसीह पर ईमान लाए वो सब एक है, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध छोटा बड़ा अच्छा बुरा कोई नहीं है, अब मसीह में सब एक है। और यह था पत्रस के सपने का मतलब। खाने का सिर्फ उदाहरण दिया गया था, लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें सच्चाई पता लगती है कि परमेश्वर वहाँ पर अन्य जाति लोगों के बारे में बात कर रहा था ताकि यहूदी और अन्य जाति मिलकर सब पवित्र आत्मा को पा सकें, परमेश्वर के नाम को समझ सकें। पत्रस खुद अपने मुँह से पहले बताते हैं और फिर जब यरूशलेम में जाते हैं 11:11 में, वहाँ जाकर भी इस घटना के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों के साथ जोड़ा। वहाँ खाने का कोई भी जिक्र नहीं है। दोस्तों, परमेश्वर ने जो भी पुराने नियम में कहा है परमेश्वर उसे नए नियम में, उससे परमेश्वर मुकर नहीं रहा है। यीशु पुराने नियम को खत्म करने के लिए नहीं आया बल्कि उसे पूरा करने के लिए आया। मैं तो आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि जो परमेश्वर ने वचन में कहा है कि ना खाया जाए तो ना खाया जाए, अगर फिर भी आपको खाना है तो आपकी मर्जी। उन सभी जानवरों पक्षियों जिनके लिए परमेश्वर ने मना किया है, उन सब के पीछे एक कारण है जिसे हम बाद में कभी जानेंगे कि 1 तीमुथियुस 4:4-5 में प्रेरित पौलुस ने कहा, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो इस वचन को लेकर कहते हैं कि देखो, यहाँ पे तो लिखा है कि सभी वस्तुएं खाने के योग्य हैं अगर हम उन्हें प्रार्थना करके खाएंगे। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि क्या प्रेरित पौलुस का मतलब वहाँ यह था कि हम कोई भी चीज, सांप, चूहा, चमगादड़, कुछ भी खा सकते हैं? जी नहीं। ध्यान से पढ़िए, इस जगह प्रेरित पौलुस तिमोथियस को बता रहे हैं कि अंत के समय लोग नई नई शिक्षा लाएंगे। हम एक वचन से पढ़ते हैं, देखिए, वो कहते हैं कि लोग भरमाने वाले आएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे, बहुत ज़्यादा कपट होगा, ऐसी नई नई शिक्षा आएंगी जो कहेंगे कि विवाह भी ना करो और यहाँ तक कि भोजन की वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा भी देंगी। अगर आप इस वचन को 1-5 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पौलुस यह नहीं कह रहे हैं कि कुछ भी खा लो, बल्कि यह कह रहे हैं कि अंत के समय लोग शादी करने से रोकेंगे, बहकाएंगे और खाने की वस्तुएं भी तुम्हें ना खाने देंगे। तो हमें प्रेरित पौलुस वहाँ पर आगाह कर रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा। यह नहीं कह रहे कि सभी चीज़ें, मतलब सारे अशुद्ध जानवरों को भी आप खा लो। इसलिए मैं आपको फिर कहूँगा दोस्तों कि पूरे अध्याय को पढ़ें, आगे पीछे के पूरे वचन को पढ़ें, एक वचन को लेकर एक नई शिक्षा ना बनाएं कि भाई अब तो परमेश्वर ने कह दिया है सब कुछ खा लो तो मतलब सब कुछ खा लो। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेरितों के काम 10 में परमेश्वर अन्य जातियों के लिए वहां पे दर्शन दिए थे, खाने के लिए नहीं। और 1 तीमुथियुस 4 में परमेश्वर जब दे रहे हैं तो परमेश्वर अंत के समय के बारे में बता रहे हैं कि अंत के समय में लोग खाने की वस्तुओं को भी ना खाने देंगे, लेकिन तुम उन सब चीज़ों से ना घबराना, तुम खा लेना प्रार्थना करके, धन्यवाद करके। यह नहीं कह रहे हैं कि अशुद्ध चीज़ों को खा लेना। यहोवा परमेश्वर ने कहा था लेव्य व्यवस्था 11:46-47 में, पशुओं, पक्षियों और सब जलचर
प्राणियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध और अशुद्ध जीवधारियों में भेद किया जाए। परमेश्वर ने कहा है कि यही व्यवस्था है कि उनके बीच में भेद किया जाए। दोस्तों, खाने के विषय में परमेश्वर की यही व्यवस्था है, और जिन जिन जानवरों के लिए परमेश्वर ने मना किया है उन सब के पीछे भी एक बहुत बड़ा प्रूवन फैक्ट है जिसे हम आने वाली किसी वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, बाइबल पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, एक वचन के आधार पर नई शिक्षा ना बना लें, यह बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर बाइबल से संबंधित और बातों को जानना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। दोस्तों,